नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल टेक इनसाइट पर। और आज हम बात करने वाले हैं रिमोट्स की। जैसे आपको पता ही होगा, रिमोट्स काफी जगह यूज होते हैं, टेलीविजन के अंदर, सेटअप बॉक्स के अंदर, एसी के अंदर। तो क्या कभी आपने सोचा कि इसके अंदर कौन सी सर्किटरी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है और ये कैसे वर्क करता है? तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा रिमोट ओपन हो गया है। ये हमारा कीपैड है जिसके थ्रू हम रिमोट कंट्रोल करते हैं। ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, ये आईआर ब्लास्टर है और ये आईसी है। ये आईसी, आईआर ब्लास्टर और जो कीपैड्स की कीज प्रेस हुई है उसको सिंक्रोनाइज करती है। वो सब कैसे होता है वो हम आपको उसकी वर्किंग में बताते हैं। तो चलिए अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी पीसीबी जो मटेरियल से बनी है वो थिन फाइबर ग्लास मटेरियल है, और जो हमारी आईसी है वो 16 पिन ड्यूअल इनलाइन पैकेज वाली आईसी है। उसका 16 नंबर वाली जो पिन है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और जो 15 नंबर वाली पिन है वो हमारे आईआर ब्लास्टर के साथ कनेक्टेड है, और बाकी जो सारी पिन हैं वो हमारी कीस के साथ कनेक्टेड है। और हम अब कीस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कीस जो है वो हमारे जो कीपैड है उसकी एक फ्रेम है। अब कंडक्शन कैसे होता है, तो ये जो आप स्मॉल डॉट देख रहे हैं वो है कंडक्शन डिस्क, और जो ये वाला मटेरियल है वो ब्लैक कंडक्शन शीट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में गैप है, तो आप पहले कंडक्शन नहीं हो रहा, पर जैसे ही आप की प्रेस करते हो तो यहाँ पीछे भी कंडक्शन मटेरियल है, तो उसके थ्रू ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है और वो सिग्नल जो होता है वो हमारी आईसी में चला जाता है। और जो हमारी आईसी है वो बाइनरी कोड को डिकोड करती है और वो 15 नंबर पिन से हमारे आयर ब्लास्टर को दे देती है। तो हमारा जो आईआर ब्लास्टर है उसका एक लेग तो 15 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड है, और जो दूसरा है वो हमारे बैटरी के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो जो हमारा सिग्नल आ रहा है उसके हिसाब से हमारा जो आईआर ब्लास्टर है वो आईआर रेस के अंदर कन्वर्ट करके सिग्नल भेजेगा, और जो हमारे टीवी के अंदर रिसीवर लगा है, जो आईआर रिसीवर है वो उसको सेंस करता है और उसके हिसाब से कंट्रोलिंग होती है। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि रिमोट्स कैसे काम करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसकी वर्किंग कैसे है। पर जैसे आपको पता ही होगा कि जो ये रिमोट है वो डिवाइस स्पेसिफिक रिमोट्स हैं, मतलब कि जो सैमसंग का टीवी रिमोट है वो आप सोनी के टीवी के अंदर नहीं चला सकते, और उसी तरह एसी में भी नहीं चला सकते। वो क्यों होता है, क्योंकि हर एक डिवाइस का अलग अलग ट्रांसमिशन कोडिंग होता है, और अगर आपको जो सब डिवाइस है उसको एक साथ में यूज करना है, मतलब आपको एक ही रिमोट से सभी डिवाइस को यूज करना है, उसके लिए अलग से रिमोट आता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिमोट। और उसके अंदर जो कोडिंग होती है वो मोर्स कोडिंग होती है जो ट्रांसमिशन में यूज होती है, इसके लिए आप उसको किसी में भी यूज कर सकते हैं। पर जो हमारा जो सिंपल रिमोट होता है वो डिवाइस स्पेसिफिक रिमोट्स होते हैं। और अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।